हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसर एंड सैनवांग। सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, हो सके तो ये शायद लास्ट पार्ट होगा। ओके तो चलिए हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग का कुछ खास रिस्पांस नहीं आ रहा है इस स्टोरी पे। मैंने अपना 100% दिया है इस स्टोरी पर, बट फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग का खास कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। आई थिंक आप लोग को ये स्टोरी पसंद नहीं आई शायद। कोई बात नहीं, आप लोग बता देना नेक्स्ट स्टोरी वांगशन पे आपको कैसा चाहिए, मैं वैसा लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसी से काम चला लो। तो अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है करीब 2 दिन के बाद का सीन। 2 दिन बाद विंग साथ में जियांग चान और साथ में शुयांग, ये तीनों ही सोफे पर बैठे हुए हैं। उनके सामने पूरी की पूरी मरमेड फैमिली खड़ी है। वांग जी बोलता है, चलो ना मेरे साथ, चलो ना प्लीज़ चलो ना। तो साओ सिंचन बोलता है, चलो ना, यहाँ अकेले रह के क्या करोगे, चलो हमारे साथ चलो। तभी नीहो सैन भी बोलता है, हाँ वैसे भी हम अपने बेबी के साथ नहीं, बेबी के बिना नहीं रह सकते, तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ। ये सुनते ही वो तीनों लड़के जो कि एक दूसरे को देखते हैं, फिर शुयांग अपने बेली को टच करता है, फिर जियांग चेन भी अपने बेली को टच करता है, फिर विंग को देखता है, फिर उसकी बेली को देखता है, फिर वो इतनी जोर से मतलब रोने वाला मुंह बना लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। उसके बाद विंग दोनों को एक कंधों पर सहलाता है और फिर बोलता है, हाँ शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, सब ठीक है। तभी जियांग चेन बोलता है, क्या ठीक है, हाँ क्या खा, क्या घास ठीक है, हाँ कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या होगा, हमारी बॉडी वो तो अब खराब हो गई। तो शुयांग बोलता है, कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, हाँ तो ठीक है ना, फिर हमसे प्यार ही क्यों, क्या हमारा बेबी जब हो जाए ना तो उसके बाद चले जाना, हमसे दूर हो जाना, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने की। ये सुनते ही फटाफट शुयांग जो है ना वो जाता है साओ सिंचन के पास और उसे हक कर लेता, बोलता है, नहीं 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 प्लीज़ मुझसे मुझसे दूर मत हो, देखो तुम्हारे लिए मैं प्रेग्नेंट हो गया, मैं तुम्हारे लिए से प्रेग्नेंट हो गया हूँ, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, ये बहुत नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। ये सुनते ही साओ सिंचन बोलता है, तो तुम लोग इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, हाँ चलो हमारे साथ, हम कब से बोल रहे हो तुम्हें, 2 दिन से बोल रहा हूँ कि चलो हमारे साथ चलो हमारे साथ, सुन नहीं रहे हो। तभी लैन कुरन बोलते, ठीक है तुम बच्चे लोग अपना समझो मैटर को, मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग देख लो ठीक है। हाँ तो रास्ता कहाँ से है, कहाँ से जाना होगा। तो वांग जी बोलते, अंकल रुकिए ना प्लीज़, हमें भी चलना है साथ में। तो लैन कुरन बोलते, यार तुम लोग, तुम सारे बच्चे इतना ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हो, मुझे घर जाना है, इतना सारा काम पहला काम बचा हुआ है वो सब भी कंप्लीट करना है और तुम लोग कितना लेट कर रहे हो। तो फिर वांग जी जो है ना विंग की तरफ देखता है, बोलता है, प्लीज़ चलिए ना प्लीज़ प्लीज़ गगा, ऐसा बोल के वो विंग के पास जाता है और उसके लैप में बैठ जाता है और फिर ना एकदम पपी आइज़ दिखाते हुए बोलता है, प्लीज़ चलिए ना। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है चलता हूँ, लेकिन हम वहाँ पे सांस कैसे लेंगे, मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है, तुम लोग तो मरमेड हो पर हम तो नहीं है ना। तो विंग वांग जी बोलता है, हाँ अटक वांग जी जो है ना अब वो अटकने लगता है और फिर अटकते हुए वो देखता है साओ सिंचन और साथ में निहुसन को देखता है। साओ सिंचन और निहुसन दोनों ही वो भी नर्वस हो जाते हैं और फिर वो भी अपना जो मतलब आइस जो है ना इधर उधर कर लेते, वो देखते ही नहीं है एक दूसरे के आइस में। तो जो जियांग चेन है वो बोलता है, हे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है। शुयांग भाग यहाँ से,
विंग भाग यहाँ से, मुझे बहुत बहुत बुरा वाला फीलिंग आ रहा है। तभी ये सुनते ही ना फटाफट वांगजी जो है ना एकदम टाइटली विंग को पकड़ लेता है, बोलते नहीं नहीं अब मुझसे भाग नहीं सकते, मुझसे दूर नहीं जा सकते। तो विंग बोलता है तो ये क्या इशाराबाजी हो रही है, मुझे पहले ये बताओ उसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वांगजी जो है ना अटक जाता है, एकदम चुप हो जाता है। अब हम नीम मंजू को देखते हैं। नीम मंजू बोलता है तुम लोग का कितना नाटक हो रहा है। हाँ अरे साफ साफ सीधे सीधे उसको उन लोग को बता दो ना कि अब से वो लोग भी एक मरमेड बन गए हैं, वो लोग भी अब इंसान नहीं रहे। ये सुनते ही सभी चुप, वहाँ पे मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है वो जगह ही। अब विंग बोलता है क्या मैं मरमेड, आई मीन जैसे आप लोगों वैसा मैं, मेरा भाई मेरा दोस्त। तो सिचन हाँ में सर हिलाते हैं और निमंजू भी हाँ में सर हिलाते हैं। फिर विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी भी हाँ में सर हिला देता है। फिर विंग पूछता है ये कैसे हुआ। तो जो लैनी है ना वो बताती हैं कि आप लोग ह्यूमन हो और ह्यूमन मरमैन के साथ मेटिंग नहीं कर सकता है। जब आप लोगों ने मेटिंग किया, इस प्रोसेसर को कंप्लीट किया और आपके बॉडी में मतलब वो जियांग चैन और शुयांग की तरफ देखते हुए बोलते हैं आप दोनों के बॉडी में जो पल गया है उसके वजह से आप दोनों मरमेड बन गए। और बेटा विंग आप के बॉडी में ऑलरेडी वो पर्ल था और वो पर्ल आपके बॉडी में वो जगह बना चुका था। और मेटिंग सीजन के दौरान जो आपके बॉडी से पर्ल निकल करके वांगजी के बॉडी में गया है वो एक वॉर्म यानी कि वो एक बेबी का रूप लेगा और आपके बॉडी में ऑलरेडी दूसरा पर्ल आ चुका है, वो डेवलप हो चुका है। तो इस हिसाब से आप समझ रहे हो ना। तो विंग जो है ना वो बस अपने सर पे हाथ रख लेता है। उसके बाद वो बोलता है चलो अब हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, चलो चलो ऐसा बोल के वो उठ जाता है और वांगजी को सीधा खड़ा करता है। फिर उसके बाद वो सभी ना जाने लगते हैं। जियांग चैन जो कि घूर घूर के न्यू हुसैन को देख रहा था, न्यू हुसैन जो कि अपना गर्दन बस छू रहा था और शू यांग भी साओ सिंचन को देख रहा था और साओ सिंचन एक स्माइल कर रहा था, क्यूट सा एक स्माइल पास करता है। और ये सभी फिर कार में बैठ जाते हैं, उसके बाद समुद्र के पास जाते हैं ये लोग। तो वहाँ पे जाने के बाद जो लैंड कुरियन है वो बोलते हैं अच्छा चलो 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 अंदर जल्दी। उसके बाद लैंड कुरियन चिंगन जून और लैनी साथ में लैंसी चैन और निमिंजू ये सभी के सभी अपना पानी में डुबकियाँ लगाते हैं, उसके बाद अपना रूप चेंज करते हैं और तैरना स्टार्ट कर देते हैं। अब वांगजी विंग जियांग चैन निहो चैन शुयांग और सासिन चैन ही बचे थे वहाँ पे। तो सासिन चैन बोलते हैं चलो चलते हैं, तो वो सभी हाँ करते हैं। उसके बाद पहले बोलते हैं कि अपने अपने पार्टनर्स को पहले भेजते हैं, उसके बाद विंग को वो पहले जाने के लिए कहते हैं। तो विंग जो है ना अकेले क्यों जाए भाई, वो जब मरेगा तो वो अपने दोस्तों को साथ लेके मरेगा, इसलिए वो बोलता है कि चलो तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। उसके बाद वो तीनों ही साथ में पानी में उतरते हैं। पानी में उतरने के थोड़ी देर बाद वो देखते हैं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, ना ही उनका टेल निकला है ना ही उनका कुछ कपड़ा चेंज हुआ है, वही पहना हुआ है। तो बोलते कि कहाँ कुछ हुआ है, हाँ तुम बोल रहे थे कि मैं मरमेड बन जाऊँगा, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो वांगजी बोलते सब्र कीजिए रुक जाइए अभी हो जाएंगे, ऐसा बोल के वो काउंटडाउन जो है ना स्टार्ट कर देते हैं, 10 से गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं तीनों के तीनों। 10 से 1 तक वो गिनती गिनते हैं, जैसे ही 1 हो जाता है ना वैसे ही तीनों कोई को एहसास होता है कि उनकी बॉडी में कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो विंग देखता है ना कि उसका हाथ जो है ना वो अजीब सा बन रहा है, उसका हाथों में ना मतलब कुछ कुछ अजीब सा हो जाता है उसका हाथ, जैसे होता है मरमेट्स का हाथ वैसा हो जाता है, उसके नेल्स बड़े हो जाते हैं, विंग तो डर ही जाता है। उसके बाद उसके हाथों पे ना जी अजीब अजीब कलर का मतलब अजीब तरीके का सेल्स दिखाई देने लगते हैं।
स्किन, हाँ स्किन दिखाई देने देते हैं। उसके बाद उसको एहसास होता है उसकी उसका कान वो भी चेंज हो रहा है, तो वो अपने कान को टच करता है तो उसका कान भी चेंज हो रहा था। और कान के पीछे का एरिया जो है ना वो थोड़ा सा, वो जैसे मछलियाँ सांस लेती हैं तो वो उनका कान का एरिया जो नीचे थोड़ा सा कटा कटा रहता है वैसा कट जाता है। और फिर उसके बाद उनका बाल भी जो है ना वो लंबा एकदम हो जाता है। और उसके बाद विंग का मतलब वो दोनों, वो तीनों का ही एक साथ ही ये सब हो रहा था। तो फिर वो लोग देखते हैं कि उनका जो पैर है ना आपस में एकदम जॉइंट हो रहा है, तो विंग डर जाता है, वो चिल्लाता है कि लंजा ये देखो क्या हो रहा है। तो वांग जी बोलता है बस 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 हो गया ऐसा बोल के वो भी पानी में उतर जाता है, विंग के पास चला जाता है। फिर उसको अपने साथ ले करके एकदम बीच में जाने लगता है, पानी के अंदर जाने लगता है, मतलब पानी के ऊपर ही ऊपर रहता है बस वो बीच में एकदम जाने लगता है। फिर वो जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे ना वांग जी का जो विंग का जो पैर है ना वो पूरी तरीके से टेल में कन्वर्ट हो जाता है। और विंग का टेल देख के ना तो वांग जी तो एकदम शॉक्ड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि विंग का जो टेल है ना वो रेड कलर में था, और रेड और सिल्वर का मिक्सर था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, सॉरी गोल्डन का मिक्सर था, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग को इस तरीके से देख के ना वांग जी बोलता है वाओ आप तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। और विंग का जो ऊपर का जो उसने शर्ट पहना था ना वो शर्ट भी फट गया था, वो हट गया था उसके बॉडी से, उसकी जगह पे कोई मोती से बना हुआ एक लटकन टाइप वो पहन लिया था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था विंग। इमेजिन कर लीजिए, मैंने तो आपको बता ही दिया डिटेल्स में वैसे भी। और इसी तरीके से जियांगचेन जो कि पर्पल कलर का मरमेड बन जाता है, और जो सुयांग है वो ब्लैक कलर का बन जाता है, वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे मरमेड के रूप में। उसके बाद वांग जी जो है ना धीरे धीरे उनको पानी के अंदर लेकर के जाना स्टार्ट कर देते हैं, वो तीनों ही फिर अपने मरमेड के रूप में आ जाते हैं। अब वो तीनों ही फिर उनको अपने घर की ओर लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लोग जा रहे थे ना तो बीच में इतने सारी मछलियाँ जो जितने भी मछली थे ना वो सभी वांग जी को देख के ना बो डाउन कर रहे थे, मतलब उसको क्या बोलते उसे सम्मानित कर रहे थे, हाँ सम्मानित कर रहे थे। और वांग जी भी सबका रिप्लाई कर रहे थे, सब सब लोग वांग जी को नमस्ते कर रहे थे, वांग जी भी सबका रिप्लाई कर रहा था। तो विंग पूछता है कि ये सब क्या कर क्या रहे हैं, तो फिर शाओ सिंचन बताता है कि वांग जी जो है ना यहाँ का प्रिंस है और अगला किंग है, वो होने वाला अगला किंग है, तो इसीलिए सभी लोग उसको इसी तरीके से उसका सम्मान करते हैं। तो सभी ओके बोल देते हैं। उसके बाद सभी के सभी घर जब पहुंच जाते तो उस घर को देख के ना विंग जैंग जैन और शुयांग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं वो बहुत ही आराम से सांस ले पा रहे हैं। और जब वो लोग घर में पहुंचते हैं ना तो जब सब लोग विंग का जैंग चेन का और साथ में शुयांग का जब ट्रांसफर देखते हैं ना मरमेट के रूप में कि वो किस 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 कलर में आए हैं, तो वो सभी भी शॉक्ड हो जाते हैं। और वो सभी बोलते हैं कि ये सारे कलर तो काफ़ी यूनिक है, ऐसे कलर के मरमेट्स तो मैंने पहली बार देखा, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये सभी। सभी के सभी मतलब काफ़ी गौर से उनको देखने लगते हैं। फिर उसके बाद उनका अच्छे से एकदम स्वागत होता है। फिर उसके बाद मरमेट क्लान के हिसाब से जो रिचुअल्स के अनुसार शादी होता है उन रिचुअल्स को कराया जाता है, और इन सभी का शादी कराया जाता है। उसके बाद उन लोग को बताया जाता है कि उनका जो नेक्स्ट हायर है वो होने वाला है क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट है, ऐसा बता दिया जाता है। उसके बाद सभी जश्न मनाते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं। कुछ टाइम करीब 1 से 2 दिन बाद वांग जी और वीन का ताज घोसी भी कर दिया जाता है, उसे उन उन दोनों को वहाँ का किंग बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद से विंग और वांगजी जियांगचैन
और नियो सैन और शुयांग शाओ सिंचन, ये लोग एक बार फिर से धरती पे जा करके उस वहाँ के रिचुअल्स के हिसाब से वो लोग शादी भी करते हैं, फिर वहाँ पे भी रहते हैं और मरमेड क्लान में भी रहते हैं। ठीक है, वो सभी धरती में भी रहते हैं और मरमेड पे भी रहते हैं, मतलब धरती में ही, मतलब ह्यूमंस की दुनिया में भी रहते हैं और मरमेड्स की भी दुनिया में रहते हैं वो सभी, और वो सभी इस तरीके से काफ़ी खुश थे। करीब कुछ महीनों बाद वांग जी ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था, और जियांग चन ने एक बेबी गर्ल को, और शुयांग ने एक बेबी बॉय को। और जब उन लोगों ने बेबी को बर्थ दिया ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे सभी लोग, और उनका बर्थ जो है ना मरमेड्स की दुनिया में हुआ था। ठीक है, क्योंकि मरमेड्स के रूप में जियांग चन और शुयांग का बॉडी एक बेबी को कैरी करने वाला बन गया था, और ह्यूमंस की दुनिया में वो तो मैन थे ना, वो मैन भला कहाँ से बच्चा रख सकता है, तो इसीलिए वो लोग मरमेड के ही दुनिया में जाके बेबी को बर्थ दिए थे। और जब विंग और वांग जी मतलब जिस ने भी बेबी को बर्थ दिया ना, वो सभी एग के रूप में बेबी को बर्थ देते हैं पहले कुछ टाइम के बाद। पहले तो जो फादर रहते जो है ना, वो एग को ना अपने आप से अपने पास ही रखते हैं कुछ दिनों तक, करीब 2 से 3 दिनों तक। उसके बाद एग जब टूटता है तब वहाँ से बेबीज निकलता है। तो वांग जी का बेबी जब निकला था ना, तो वो पूरा मरमेड के ही रूप में निकला था। और जब वांग जी का ही नहीं, सुयांग का भी और जियांग चन का भी, इन तीनों का ही बेबी मरमेड्स के ही रूप में निकला था। और वो तीनों के पास ये पावर थी कि वो ह्यूमन भी बन सकते हैं और मरमेड भी बन सकते हैं, छोटे से ही, जन्म से ही। तो ये सब देख के वो लोग काफ़ी शॉक्ड हैं। उसके बाद वो सभी जश्न मनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके घर में उनका नेक्स्ट हायर हो चुका है, जन्म ले चुका है। और इसी तरीके से इनकी लाइफ हंसी खुशी चलती रहती है। और यहीं पे मैं ये स्टोरी को एंड कर देती हूँ। ठीक है, सो आप लोग बताइएगा मुझे आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, ह्यूमंस की दुनिया में विंग अपना माफिया का काम भी जारी रखता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि माफिया का काम वो छोड़ दिया, वो जारी रखता है, क्योंकि लोग फितरत भूल नहीं सकते अपना, भले ही हरकतें छोड़ दें, लेकिन पीठ पीछे जो काम किया जा रहा है वो सामने तो सामने से थोड़ा ना दिखता है। इसीलिए विंग अपना माफिया का बिजनेस नहीं छोड़ता है, वो माफिया बना ही रहता है। और विंग को ये भी पता चल गया था कि विंग के मॉम डैड का डेथ कैसे हुआ था, और जियांग चन के मॉम डैड का कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि वेन रोहान ने ही किया था। आई होप कि मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया है। ठीक है, और अगर कुछ डाउट बचा है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी, उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस।